चेहरा है आ चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हेलो दोस्तों, तो मैं प्रिंस कुमार चौबे फिर से आपको मैं अपने YouTube चैनल CMC मिश्रा फैमिली पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको साइंस का सिलेबस के बारे में बताया था, और आपसे अभी वादा किया था कि मेरा अगला जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, वह मैं साइंस का ही जो अगला टर्म है बायोलॉजी, बायोलॉजी को लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के बारे में रूबरू कराऊंगा और बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि बायोलॉजी क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या पढ़ना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको अब आगे चालू करने जा रहा हूँ, बायोलॉजी का थोड़ा सा थ्योरी दूंगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम को मैं आज ही चालू करूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि आप बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बता दूं आपसे, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जीवधारियों यानी जिसमें सजीव सजीव के बारे में अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, खासकर जिसे हम क्या कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें हम समस्त जीवधारियों, जिसमें सजीव जिसमें प्राण हो, उसे हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है, हमने यहाँ पर नोट में दिया है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। या बायोलॉजी जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनता है, जैसे जो दो शब्द कौन कौन है, वायोस और लोजोस, जिसको हम पढ़ते हैं। वायोस का मतलब लाइफ, लाइफ का हिंदी मीनिंग जीवन होता है, और लोजोस जो होता है उसका मतलब स्टडी यानी अध्ययन, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना। ध्यान से सुनिएगा, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश वर्ड में भी लिख दिया है कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब यही लिखे हैं कि क्या लाइफ के बारे में अध्ययन करना, जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हमने बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैमार्क ने, जिनका नाम था लैमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था बायोलॉजी शब्द का पहला। तो देखिए, जैव प्रक्रम हमने लिख दिया है, जैसे आप देख रहे हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो हमने बताया था आपसे कि आज हम पहला चैप्टर चालू करेंगे, और आपके और मेरे कहने अनुसार आप देख भी रहे हैं कि हमने जैव प्रक्रम स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हाँ दोस्तों, तो आप सही सुन रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस यानी जीने की क्रिया। जैव प्रक्रम का मतलब आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक सजीव के लिए क्या क्या आवश्यक है, किस तरह उसको अपनी क्रिया को करना चाहिए, प्रक्रिया को करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सजीव क्या क्या करता है। एक निर्जीव के अलग गुण होते हैं, सजीव के अलग गुण होते हैं, जो हमें इस चैप्टर में सजीव के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो हम चाहते हैं सबसे पहले आप जैव प्रक्रम को समझे कि जैव प्रक्रम कहलाता क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा है जैव प्रक्रम क्या है, तो क्वेश्चन है जैव प्रक्रम क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, फिर से देखिए, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। तो आपने देखा, हमने लिखा है कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब इसका समझना है कि जैसे हम सजीव हैं, हम जीव हैं, तो हम क्या क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। पोषण का मतलब आहार लेना, वैसे तत्वों को ग्रहण करना जिससे हम कोई हमारे अंदर एनर्जी हो, हम कोई काम कर सकें, ऊर्जा हो, वह पोषण कहलाता है, तत्व कहलाता है पोषण तत्व, श्वसन। अब जैसे जैव प्रक्रम में श्वसन भी शामिल होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसे श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन यानी उत्सर्जन का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी हानिकारक तत्व जो हम अपने माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से उसको अलग करते हैं, ऐसा उत्पाद जो हमारे शरीर में होता है और जिसको हमें अलग करना जरूरी होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं, जो हम हानिकारक
वस्तुओं को या कहें तो पदार्थों को अपने शरीर के माध्यम से उसको बाहर करते हैं, उसे उत्सर्जन कराते हैं। तो यह हो गया जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वही जो अनुरक्षण का यानी सुरक्षा का कार्य करती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला पॉइंट है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है, मतलब सजीव अगर एक व्यक्ति सजीव है या कोई वस्तु सजीव है तो उसे क्या क्या होना चाहिए, उसको हम किस तरह कह सकते हैं कि सजीव है। तो उसका आप देख सकते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण जो है निम्नलिखित है। पहला है भोजन ग्रहण करना। आप ही जानते हैं अगर कोई सजीव है तो वह भोजन ग्रहण करेगा तभी उसमें वृद्धि होगी, जैसे हमने अगला पॉइंट में लिखा भी है वृद्धि करना। तो पहला होगा क्या कि सजीवों के प्रमुख लक्षण है भोजन ग्रहण करना, यानी भोजन ग्रहण करना। उसके बाद है कि सांस लेना, यदि सजीव है तो वह सांस भी लेगा। उसके बाद है उत्सर्जन करना, जैसे हमने यहाँ पर भी समझाया था उत्सर्जन के बारे में कि हानिकारक वस्तुओं को या हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर के माध्यम से उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद है चौथा नंबर में वृद्धि करना, यानी जो सजीव होगा उसमें वृद्धि होगा। आप भी जानते हैं यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं या आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके भी शरीर में वृद्धि होगा, और जब वृद्धि होगा तो गति होगा ही। तो यह रहा जैव प्रक्रम और सजीव के प्रमुख लक्षण। और आगे देखिए तो दोस्तों आप फिर से देख लीजिए, हमने पहले आपको स्क्रीन पर आपको मिला होगा कि सजीव के लक्षण, जैव प्रक्रम, ये सब क्या कहलाता है। अब उसका अगला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं। हाँ तो आपने सही सुन रहे हैं, पोषण किसे कहते हैं, तो वह जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का परिभाषा हमने पहले दिया है कि जैव प्रक्रम क्या कहलाता है, कि वह पोषक तत्व तो जो हमें क्या करता है शरीर को अनुरक्षण कार्य करती है वह जैव प्रक्रम कहलाती है। तो जब भी जैव प्रक्रम आए इसका मतलब आपको वही समझना है जो अनुरक्षण का हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है जिसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जैव प्रक्रम। तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। अब समझिए इसको अच्छा से कि पोषण किसे कहते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। तब तो आप कहिएगा फिर से, तो जैसे पोषण क्या कहलाता है, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, आप लोग भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, उष्मा होती है जिसे हम गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, और वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है कि उपयोग करते हैं, ग्रहण करके उसका हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं। और उपयोग किस तरीका से करते हैं, जो हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखने में कार्य करता है उसे ही पोषण कहते हैं। या छोटी सी भाषा में एक शब्द में कहा जाए तो पोषण उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी जरूरतमंद चीजें हैं उसे हम सब क्या कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, और जिसका हम क्या करते हैं ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में और उसका हम उपयोग भी करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको पोषण समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। ये तो हो गया पोषण, अब समझिए पोषक तत्व। तो पोषक तत्व ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है, या अगर इसी का दूसरा रूप है जिसमें केवल तत्व हमने जोड़ दिया है। तो पोषक तत्व तो वैसे तत्व तो कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है, या इसका दूसरा परिभाषा कहे तो दूसरे शब्दों में भी आप दे सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो दूसरा क्या है कि पोषक तत्व तो वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। समृद्ध का मतलब विकास करना, वृद्धि करना, या ऊतकों का निर्माण। अब कहिएगा ऊतक क्या है, तो ऊतक जो हमारे शरीर में होती है ऊतकों से कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऊतक का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं और शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक भी होती है। मतलब साफ शब्द में बोला जाए तो वही कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और वह भोजन ग्रहण करने के बाद हमें शरीर की ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तो हम बहुत सारे काम करते हैं, या कहें तो बहुत सारी आवश्यकताओं को आप हम देख अपना रहे हैं पूरा यहाँ पर करते पोषण, हैं। हमने उसी को हम क्या पहला बोलते हैं, हैं स्लाइड में दिखाया हुआ आपको पोषण किसे कहते हैं, और यहाँ पर हमने दिखा रहे हैं आप देख रहे हैं पोषण के प्रकार। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप देख रहे हैं पोषण के दो प्रकार होते हैं, पोषण के दो प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बायोलॉजी में इसको VVI टिक लगा लीजिएगा। हर साल यह जो है हर साल 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर हर साल पूछा जाता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला का नाम है स्वपोषण और दूसरा का नाम है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का मतलब आप समझिए, स्व का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है अपना,
शौक मतलब अपना यानी अपने आप पर, या कह सके तो अपने आप पर या खुद से, जो भी कहिए, अपना अपने आप पर या खुद से, या लिख देते हैं खुद से। तो यानी स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपने आप पर निर्भर हो, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो। स्व का मतलब ही होता है क्या, अपना। स्व का मतलब अपना, और पोषण यानी भोजन, यानी अपना भोजन करने के लिए क्या रहे, अपने आप पर यानी खुद पर निर्भर रहे, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उसके बाद है दूसरा पर पोषण। पर का मतलब होता है क्या, पर का मतलब होता है दूसरा। पर का मतलब पराया, नहीं कहते हम कि आप पराया हो, हम अपना है, स्व है। तो स्व का मतलब अपना, और पर का मतलब दूसरा, मतलब कि कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसे जीव जंतु जो का रहे किसी दूसरे पर निर्भर रहे, कुछ कोई दूसरे पर निर्भर रहे, उसे हम क्या कहते हैं, पर पोषण। और क्या चीज के लिए निर्भर है, हम आपको बता देते हैं क्या चीज के लिए निर्भर है। तो पोषण के लिए, पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए, अपने शरीर को समृद्धि करने के लिए, ऊर्जा लाने के लिए, या कहे तो शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, उसे पर पोषण कहते हैं। और जो अपने आप पर निर्भर है उसे स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषण। और यह हो गया पर पोषण। पोषण के दो प्रकार हमने बता दिया। अब आइए परिभाषा से भी आपको हम रूबरू कराते हैं। स्वपोषण का परिभाषा हम किस तरह दे सकते हैं, तो सॉरी, स्वपोषण, स्वपोषण का परिभाषा। तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए, ध्यान से देखिएगा, जिसमें जीव, जीव का मतलब सजीव, यानी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। हमने बताया पहले ही, स्वपोषण में खुद पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। जैसे में हरे पेड़ पौधे, अब पौधा के देखोगा, पौधा क्या करता है, जल पृथ्वी से ग्रहण कर लेता है, और हमें क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इस तरह जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, हमने यहाँ पर देखिए डिनोट कीजिएगा इस बात को, हरे पेड़ पौधा का लिखा है, सूखा पेड़ पौधा का नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं, सूखा जो पेड़ पौधा होता है ना ही ऑक्सीजन देता है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ना ही वह क्या करता है, यानी भोजन भी ग्रहण करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे आप स्वपोषण के उदाहरण में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जल जो है वह पृथ्वी से ले लेता है। तो ये हो गया स्वपोषण, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। उसके बाद है पर पोषण। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, पर पोषण का मतलब कि दूसरे पर निर्भर रहना। तो पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए क्या रहता है, किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। उसे क्या कहते हैं, पर पोषण, यानी भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको मानव, जैसे हम मानव है, जानवर, जानवर भी किसी जानवर जैसे है, जानवर भी दूसरे पर निर्भर रहता है, मानव भी दूसरे चीज पर निर्भर है, कीड़े मकोड़े भी है, वह कोई गंदी वस्तु हो, या कहे तो बहुत ऐसे प्रकार के होते हैं जिस पर दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर पोषण। तो आपने देखा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, या हर साल परीक्षा में आता है, स्वपोषण पर पोषण, या पोषण के दो प्रकार होते हैं। स्वपोषण का मतलब स्व यानी अपना खुद से भोजन, अपने आप पर निर्भर रहना, और पर पोषण का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर रहना, उसे पर पोषण कहते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको आज बायोलॉजी में आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आप कैसा लगा या हमारा वीडियो पढ़ने के बाद आपको किस तरह का फील हो रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए हम आपको करते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।